हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। 4,000 से भी अधिक पदों के लिए वैकेंसी आउट की गई है। ये वैकेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन की तरफ से आई है, जहां पर भारत के किसी भी राज्य का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है वह भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं, तो सारी बात हम करने वाले हैं। यदि आप ऑथेंटिक साइट पर जाना चाहते हैं तो ये जो है वो वेबसाइट का लिंक है। यदि आप वेबसाइट देखने के लिए जो है स्कैन करना चाहते हैं तो आप स्कैन भी कर सकते हैं। कुल 65 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया है, ताकि मोटे तौर पर आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे एज क्वालिफिकेशन जो है वो आप लोगों को अगर पता लग जाती है तो आप सारा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लेते हैं। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िए, ठीक है। और फॉर्म को आप जब भरेंगे, जब आपको ये पता हो कि क्या उम्र मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सैलरी वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है, तो पेज नंबर 3 जो है ये ओपन करेंगे, ठीक है। एज जो है, अगर एज आपको पता करनी है तो पेज नंबर 3 करेंगे। 65 पेजेस का है तो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन मेन चीज़ें जो होती हैं, जो कि आपको चाहिए होती हैं, EWS के, अगर EWS कैटेगरी के हैं आप लोग, तो यहाँ पर जो है क्या चीज़ें मांगी गई हैं, तो वो पेज नंबर 10 पर आपको मिलेगा। एग्ज़ाम के थ्रू जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो क्या रहेंगे, कैसे जो है वो आप अप्लाई करोगे, ये आपको पेज नंबर 22 पर दिखेगा। तो चलिए मेन मेन चीज़ जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग बैंक, यानी कि जहाँ आपकी जॉब लगेगी, तो ये जॉब के लिए जो बैंक डिसाइड हैं पहले से ही, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, UCO बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी अपने स्टेट में जहाँ भी नज़दीक आपके ये कोई बैंक दिखाई दे रहे हैं और आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अप्लाई करें। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग जो डेट रहेगी एप्लीकेशन की, वो रहेगी आपकी 1/7/2023 से 21/7/2023 तक, ठीक है। यानी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है वह भी आपकी 1/7/2023 से लेकर 21/7/2023 तक। जुलाई के मंथ में देखिए काफ़ी वैकेंसी जो है वो आउट होती हैं, जो कि बच्चों को पता ही नहीं चलती हैं, और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसीज होती हैं जिनका नहीं पता चलता है, और वो लोग एलिजिबल होते भी हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर दो एग्ज़ाम जो हैं वो आपके होंगे, एक तो आपका प्री होगा और एक आपका मेन्स होगा। और एग्ज़ाम का टाइम जो है वह भी इतना ज़्यादा दूर नहीं है, अगस्त या सितंबर माह 2023 में जो है वो आपका प्री हो जाएगा, और उसके बाद मेन्स जो है वो अक्टूबर में हो जाएगा। एज की अगर बात करें तो मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज आपको मिल रहा है, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, या SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, इसके अलावा PWBD को 10 साल का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 नंबर जो सीरियल नंबर है, यहाँ पर विडो है, डिवोर्सी है, ऐसी महिलाएं जनरल कैटेगरी की ही भले ही क्यों ना हो, उनको भी एज में जो है यहाँ छूट मिल रही है। 35 साल जो है मिल रही है यहाँ पर जनरल कि जो है कोई भी महिला हो, EWS की कोई भी महिला हो, उसे 35 साल तक जो है अगर उसकी है तो वो फॉर्म भर सकती है। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर कई पोस्ट जो है उनके अप्लाई कर पाओगे। 38 ईयर जो है वो OBC की है, और SC ST की जो महिला है उसको 40 साल तक जो है वो फॉर्म भर पाएगी, ठीक है। तो एज जो रिलैक्सेशन जो है काफ़ी आपको मिल रहा है। फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर मात्र ₹175, जिसमें GST जो है इंक्लूसिव है, तो यहाँ SC ST PWBD जो इन कैंडिडेट को जो है वो ₹175 पे करना होगा। ₹850 बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, तो उनको ₹850 जो है रुपीज़ यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में जो है वो आपके क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर प्री की बात करें, दो एग्ज़ाम होंगे आपके, तो प्री में जो है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, मैथ के जो है 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, तो कुल जो है वो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 1 घंटे का जो है वो आपको समय मिलेगा। ये प्री एग्ज़ाम है,
और इसके बाद अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो पूछी जाएगी। यहाँ पर 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखते हैं कि जितने भी फॉर्म निकलते हैं एग्ज़ाम में वहाँ पर मैथ रीजनिंग जो है वो पूछी जाती है। यदि आपकी वीक है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जो है वो अपना मैथ रीजनिंग जो है वो तैयार करें, क्योंकि आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में जो है वो करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग ये चीज़ें जो है पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 160 मिनट का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्ट डिग्री यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपने आर्ट से, कॉमर्स से या साइंस से किसी से भी जो है वो आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। साथ में ये भी कहा गया है कि जो आपकी मार्कशीट है या डिग्री जो है वह आपकी समय पर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ही आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी यानी बैंक की जॉब है तो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको आनी चाहिए। आप लोगों ने 9th, 10th, 11th, 12th स्कूल में जो है पढ़ा होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज नॉलेज आपको है मांगी गई है यहाँ पर। इसके अलावा अगर जो है किसी ने, अगर ज़रूरी नहीं है, अगर किसी ने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर लाइन में किया है, कंप्यूटर लैंग्वेज में किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल में अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर से, कंप्यूटर सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें जो है वो आपकी मांगी गई हैं क्वालिफिकेशन में, एक तो आपकी ग्रेजुएशन की जो है मार्कशीट आपके पास हो और कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर जो है वो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ में आप लोग जो हैं आपके नज़दीकी जो बैंक है वहाँ पर जॉब ले सकते हो, क्लर्क की जो पोस्ट है उस पर आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो इतना बड़ा जो नोटिफिकेशन है जिसको आप जो है वो पढ़ते तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं जो है वो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वो मोटे तौर पर बता दी है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल और अच्छे तरीके से जो है इसको रीड आउट करेंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसे पढ़ना जो है वो कंपलसरी है। हर चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। एक बार ऑथेंटिक साइट पर हम चेक कर लेते हैं कहाँ से आप अप्लाई करोगे, तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। यदि आप डायरेक्ट जाना चाहें तो ibps.in आप जो है गूगल पर सर्च करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यू में आप देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को जो है ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और जैसे ही आप ये पेज ओपन करेंगे तो आपको 3 जो है यहाँ पर नोटिस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो है जिसमें एडवर्टाइजमेंट है डिटेल में, जो कि 30 जून को स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो है 1 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है अप्लाई ऑनलाइन के लिए। आप जो है वो थर्ड नंबर पर जो नोटिस है इस पर आप जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो आपको डिटेल आपसे मांगी जाएगी और आप इसको भर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो पूरा लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी आप डायरेक्ट जाके साइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।